हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू इनसाइडरपीडिया। तो आज हम एक कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा हुआ करता था मार्केट में। अभी देखते हैं कि क्या पोजीशन है। ये कंपनी है टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड, TTML शॉर्ट में भी कह सकते हैं इसको। तो ये कंपनी का शेयर प्राइस अचानक से 15 रुपये से चला गया, आपका 290 का हाई बना गया। फिर उसके बाद से 290 रुपये के पास लोअर सर्किट लगता रहा। बीच में शेयर प्राइस कुछ यहाँ पे रुका भी, ठहरा भी, लेकिन फिर गिरा और 108 रुपये पे आज भी बंद हुआ है। तो अभी थोड़ा सा और ज़्यादा देखें तो ये शेयर प्राइस काफ़ी दिनों से 2008 के बाद से गिरता ही चला जा रहा था और काफ़ी इनएक्टिव था पिछले 5 सालों में, लेकिन फिर अचानक से 2021 के बाद ये शेयर प्राइस भागना शुरू हुआ। और जब ये भाग रहा था तो सबके मन में एक ही सवाल था, क्या रीज़न है कि ये शेयर प्राइस भाग रहा है और कितने लोगों ने इसलिए इन्वेस्टमेंट कर लिया कि चलो पकड़ लो, कहीं भाग जाएगा उसी के साथ, हम पैसे भी बना लेंगे, ऊपर तो जा रहा है ना। नो मैटर कंपनी क्या कर रही है, क्या कर रही है, शेयर ऊपर जाना चाहिए, हर कोई इन्वेस्ट करना चाहता था इस कंपनी में। अभी तब से जो है लोअर सर्किट लगा तो फिर सबके पैसे तकरीबन 66% डाउन हो गया अपने हाई पीक से। 290 रुपये का शेयर जब 108 रुपये का ट्रेड करने लगा तो ये कह सकते हैं कि 60 से 70% लोगों का लॉस हो गया होगा इस कंपनी में, जिन्होंने अगर ऊपर पे बाइंग की हुई है। और कितने लोग ले करके फंसे हुए हैं, पहले जो लोग मैसेज करते थे कि इस कंपनी में ऐसा क्या खास है, क्यों है, तब भी मैं यही कहता था कि मुझे नहीं पता। और जब अभी गिर गया है तो अभी भी मेरे मन में यही आता है, मुझे नहीं पता कि क्या एग्जैक्ट रीज़न है, ये शेयर प्राइस क्यों 15 रुपये से या 3 रुपये का शेयर प्राइस 300 रुपये का चला गया इतनी जल्दी। इवन तो ये टाटा ग्रुप की कंपनी है, टाटा ग्रुप की कंपनी की रेपुटेशन मार्केट में काफ़ी अच्छी है, उनकी सारी कंपनीज काफ़ी अच्छा रिटर्न्स दी हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर टाटा ग्रुप की कंपनी अच्छी हो। चलिए आप थोड़ा सा नज़र, इतनी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है तो मैंने सोचा एक नज़र देख ही लिया जाए कि इस कंपनी का एक्चुअली में क्या चल रहा है। तो भाई मेरा तो एक डिफरेंट टाइप का फ्रेमवर्क है, मैं देखता हूँ एक फंडामेंटली साउंड कंपनी को फाइनेंशियल रेशियो से जज करने की कोशिश करता हूँ कि कंपनी अच्छी चल रही है या नहीं है, फिर मैं उसमें इन्वेस्ट करने की सोचता हूँ। लेकिन इस कम नंबर तो देखने पर ही समझ में आ रहा है कि इसमें पैसा किसी भी सूरत में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे आ करके देखें बैलेंस शीट में, चलिए बैलेंस शीट को तो छोड़ दीजिए, पहले PNL में ही देख लेते हैं कि अगर एक कंपनी जो रेवेन्यू कर रही है 284 करोड़ का और इंटरेस्ट पे कर रही है 385 करोड़ का, तो कभी प्रॉफिटेबल हो पाएगी? कोई भी मैथमेटिक्स लगा के देख लो, कोई कंपनी अगर आप एक दुकान ही है, अपनी ही दुकान समझ करके 284 रुपये का सामान पे कर रहे हो और 385 रुपये इंटरेस्ट पे कर रहे हो, ब्याज पे कर रहे हो, तो कभी भी आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। ये बिल्कुल बैलेंस PNL से ही अंडरस्टूड है कि कंपनी रेवेन्यू से ज़्यादा इंटरेस्ट पे करती है, तो इसका मतलब कंपनी पे इन लोन बहुत ही ज़्यादा होगा। अभी देख लेते हैं कंपनी का लोन जो 3000 करोड़ हुआ करता था, 3600 करोड़, वो तकरीबन 20000 करोड़ लोन हो गया है। यहीं पे बात करें शेयर रिजर्व जो है आपका नेगेटिव में देख रहा है, शेयर कैपिटल 1955 करोड़ की है। तो यहाँ से मतलब बिल्कुल क्लियर है कि कंपनी की नेट वर्थ जो है निगेटिव में है, -19000 करोड़। ये पूरा का पूरा डेप्ट है, कंपनी सोना ना आ लेटर बैंक करप्ट हो सकती है, वरना ये लोन चुकाएगी कहाँ से कंपनी, इतना प्रॉफिट थोड़ी कर रही है 10 साल का। अगर PNL भी उठा दे तो इतनी रेवेन्यू नहीं हुई है जितना इस कंपनी के ऊपर डेप्ट है पिछले 10 सालों में। आप देख सकते हैं कि 2000 करोड़ तकरीबन रेवेन्यू है, 2000 करोड़ को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20000 करोड़ आपका जो है रेवेन्यू हो जाता है, लेकिन इस कंपनी पे डेप्ट जो है 20000 करोड़ का, इतना ज़्यादा डेप्ट कैसे रिपेमेंट कर पाएगी? तो ये सबसे, ये थोड़ा सा तो फिर अकल दिमाग लगा लिया ना चाहिए इन्वेस्टर्स को जो इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मतलब कुछ भी न्यूज़ चले, कितना भी कंपनी की रेपुटेशन बाहरी, उस ग्रुप की रेपुटेशन या फिर ब्रांड की रेपुटेशन कितनी भी अच्छी हो, लेकिन थोड़ा सा तो स्टोरी रियलिटी से मैच करना चाहिए। इस कंपनी में आखिर पैसे क्यों लगाए? आप ही सोचिए कि इस कंपनी जो लगातार लॉस पे लॉस की जा रही है, 3000 करोड़, 2000 करोड़, 1200 करोड़, हो सकता है कंपनी के अंदर कुछ ऐसा हो, इंटरनल असेट हो जो बैलेंस शीट या नंबर्स में नहीं दिख रही, बट फिर भी एक कॉमन सेंस की बात है कि कंपनी जो है रेवेन्यू से ज़्यादा पे कर रही है आपका इंटरेस्ट। ये तो कैसे, कितना भी कर लेगा, कोई 20000 करोड़ की एसेट होगी तब तो कंपनी अपना रीपेमेंट कर पाएगी, लोन का रीपेमेंट कर पाएगी। पूरा पूरा सब निगेटिव में नंबर्स दिए जा रहा है, पिछले 10 साल से कंपनी कोई प्रॉफिट नहीं कर पाई। यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे भी कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, 50 करोड़ का
निगलिजिबल प्रॉफिट दिख रहा है, और यहाँ पे बात करें 298 करोड़ का लॉस, 500 करोड़ का लॉस, 600 करोड़ का लॉस, 560 करोड़ का लॉस, 600 करोड़ का लॉस, 358 करोड़ का लॉस, 2300 करोड़ का लॉस, 10000 करोड़ का लॉस, यहाँ पे लॉस पे लॉस हो रहा है कंपनी। यहाँ पे भी देखें तो एक बार फिर से अगर देखें कि इंटरेस्ट जो है इसका रेवेन्यू से ज़्यादा है, तो भाई इसमें कंपनी में अंदर क्या चल रहा है, उससे पहले ही कंपनी को हमें जो है थोड़ा सा अकल लगा करके कंपनी का गोल होना चाहिए पैसा कमाना है। जो कंपनी कभी पैसा ही नहीं कमा रही क्यों इन्वेस्ट करे, लेकिन लोगों को क्या चाहिए, इन्वेस्टर देखते हैं कि शेयर ऊपर जा रहा है, रिटेल इन्वेस्टर फंस जाते हैं कि शेयर ऊपर जा रहा है, चलो जब तक ऊपर जा रहा है तब तक लेते रहो, लेकिन फिर जब लोअर सर्किट लगता है ना तो ऐसे लोअर भी सर्किट लगता है। 290 रुपये से लोअर सर्किट लगना शुरू हुआ तो 50%, जस्ट इमेजिन अगर किसी ने 290 रुपये पर शेयर बाय किया होगा तो उसका तो देखते ही देखते 141 पर आकर के लोअर सर्किट हटा, लगातार लोअर सर्किट लग रहा था, तो उसका पैसा तो ऐसे ही होगा आधा हो गया होगा। और जिसने पूरा पोर्टफोलियो का पैसा डाल दिया होगा, जो डाइवर्सिफिकेशन नहीं कहते हैं, वो ये कहते हैं कि मोर रिस्क मोर रिवार्ड, तो उनका तो आप समझ ही सकते हैं क्या हाल हुआ होगा। तो थोड़ा सा अकल लगाइए, कंपनीज का कुछ नहीं समझ में आता, फाइनेंशियल देख लीजिए। अगर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो मेरा वीडियो है 10 पॉइंट्स फ्रेमवर्क, जिसको अगर आप ढंग से पढ़ लेते हो तो फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी के साथ साथ मल्टी बैगर कंपनीज भी ढूंढ सकते हैं, इतना सिंपल है। बट थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, 10 मिनट लगता है अगर आप डीप में फाइनेंशियल का उतना ज़्यादा डीप एनालिसिस नहीं कर पाते, बट ऊपर का जो डेटा है उतना तो कम से कम स्टडी कर लेना चाहिए कि कौन से रेशियो कितना मैच कर जाना चाहिए। उस फ्रेमवर्क को चाहे तो आप वीडियो पर जाकर के देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे वो वीडियो डाल देता हूं, आप उसको जरूर चेकआउट करिए और उस पर चलेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं एटलीस्ट ये तो केस नहीं होगा कि वो कोई कंपनी हो जाएगी, और उसके साथ अगर डाइवर्सिफाइड करिए पोर्टफोलियो को तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मार्केट से अच्छा ही रिटर्न लाएंगे, क्योंकि वो काफ़ी अच्छा जो भी हमने वहाँ पे 10 पॉइंट्स फ्रेमवर्क रखे हैं सारे सेंसिबल है, कॉमन सेंस से लिए गए हैं। कंपनी को प्रॉफिटेबल होने चाहिए तो उसका आरओई कितना होना चाहिए, आरओसी कितना होना चाहिए, डिप्रेशिएशन कितना होना चाहिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन किस तरह से देखना चाहिए, कंपनी का कैश फ्लो कैसे देखना चाहिए, ये अगर थोड़ा सा भी अगर लगा देते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 10 मिनट में आप ये एनालिसिस कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, तो उससे आप अच्छे तरीके से कंपनी करते हैं, एटलीस्ट इस तरह की जो है लॉस मेकिंग कंपनीज को अवॉइड कर सकेंगे। तो चलिए आज इतना ही, अगर आपको चाहते हैं कि मैं और आपकी हेल्प कर सकूं तो हमने पूरा एक कम्युनिटी बिल्डअप की हुई है, इनसाइडरपीडिया कम्युनिटी, जहां पे हम यहां पे आते हैं, अपना मैं पोर्टफोलियो शेयर करता हूं, डेमो देने के लिए मैं जो शेयर बाय करता हूं सेल करता हूं उसका वीडियो अपलोड करता हूं, एक्सक्लूसिव वीडियो, इसके साथ साथ ग्रुप पेज भी बनाया हुआ है कम्युनिटी करके, यहाँ पे देख ही सकते हैं, तो कम्युनिटी बनाया हुआ है जहाँ पे टू वे ट्रांजैक्शन, मतलब सभी लोग मैसेज करके उसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, और यहाँ पे मैं पोर्टफोलियो भी अपना शेयर करता हूँ, क्या परफॉर्मेंस रही है पिछले 15 महीनों से ये कर रहा हूँ। अगर इसको और डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस यहाँ पे पेमेंट पेज है, इस ये डिस्क्रिप्शन में आपकी लिंक मिल जाएगी, हमारे वेबसाइट पे भी ये अवेलेबल है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हम इसमें क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। फीस काफ़ी रिजनेबल सी है, 1000 रुपये फीस है इसकी पूरे 1 ईयर की, कोई जो है 1-2 महीने की नहीं है, और इसके साथ साथ क्या मिल रहा है, हम क्या परफॉर्मेंस दिए हैं, इसके अलावा कैसे रिसर्च करते हैं टाइम टू टाइम, एक्सक्लूसिव अनलिस्टेड वीडियोस भी शेयर करते हैं ताकि आपको नॉलेज में इंक्रीमेंट होता रहे, तो इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई और कंपनी आप जानना चाहते हैं कि मैं इस आपको डिटेल में या फिर शॉर्ट में एक ओवरव्यू दे दूं कि वो कंपनी कैसे चल रही है, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं, मैं उस पर वीडियो देने की जल्दी ही कोशिश करूंगा। ओके, हैव अ गुड डे।